औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सूबाई व वफाकी मुलाज़मीन को अस्सलामु अलैकुम जी। उम्मीद है आप सारे भाई खैरियत से होंगे। 3:10, सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ मुलाज़मीन को, सूबाई हों या वफाकी, बहाने माजरतें परेशानियाँ मसरूफियत मेरे से ज़्यादा नहीं, बजाते खुद आपको पता है 1 से 2 दिन पहले मेरी 105°C बुखार था और अभी भी बैकग्राउंड पे कायदे आज़म हॉस्पिटल नज़र आ रहा होगा। जीटी रोड पे भाई को मैंने अल्टरनेट के तौर पे बुलाया है। अभी वाली साहब की ज़रा तबीयत बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ी सी ख़राब हुई है, दोबारा से बुलाया। मेरी अपनी तबीयत भी ख़राब थी, चेक कराना था। कल इंशाल्लाह ताला वफाकी सेक्रेटरीट के वफाकी मुलाज़मीन जो है प्रोटेस्ट करेंगे, उनके लिए मैसेज है। दिन 10 से 11 बजे को बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट नहीं होगा, बेसिकली जो 9 तारीख का हमारा धरना है उसके हवाले से हम अपनी तैयारियों को जो है जो मामलात हैं उनको देखेंगे। पाकिस्तान भर के मुलाज़मीन के लिए ये मैसेज है, तैयारी रखें। ये बजट गुजर जाएगा आखिरी बजटों की तरह और सिर्फ 5%, 10% या हो सकता है कुछ भी गवर्नमेंट ना दे। और पिछली गवर्नमेंट के ऊपर जिस तरह से माशाल्लाह 1.5 महीना नहीं हुआ है, पेट्रोल भी बढ़ गया 2 दफ़ा 60 रुपये, बिजली की कीमत भी और गैस की कीमत भी, किसका कसूर है हमें नहीं पता, मगर जो भी गवर्नमेंट आई है उसने पिछली गवर्नमेंट पर डाला है। पीटीआई की गवर्नमेंट थी उन्होंने सबका हुकूमतों पे डाला, उससे पहले नून की गवर्नमेंट थी उन्होंने पीपी पे डाला, पीपी की गवर्नमेंट थी उसने मुशर्रफ पे डाला, मुशर्रफ दौर की गवर्नमेंट थी उसने नवाज शरीफ पे डाला, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसने पीछे पीपी पे डाला, पीपी की गवर्नमेंट से फिर नवाज शरीफ पे, और यह सिलसिला चलता आ रहा है। अवाम बेवकूफ बनती आ रही है, हमें हमारा हक चाहिए। हमें नहीं पता किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, जो जायज़ आइनी मुतालबात है हमारे तहरीरी एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम चाहिए, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन सूबों की तर्ज के ऊपर चाहिए, जो कि यह जो मौजूदा गवर्नमेंट है एट दैट टाइम अपोजिशन में थी सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली में ये सवालात जो है वो पेश कर चुके हैं, उसके ऊपर तहरीकें पेश कर चुके हैं। तैयारी रखें, जो भी रिलीफ है हम लोगों ने मिल के लेना है, बसूरत दीगर कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। सिक्योरिटी वाले भी आ गए हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं कि इस वक्त पता नहीं, अस्पताल के खिलाफ तो कोई कंपेन नहीं चल रही है। तो तमाम मुलाजमीन तैयारी रखें, 6 तारीख को भी प्रोटेस्ट और अकॉर्डिंगली 9 तारीख को पाकिस्तान भर से वफाकी मुलाजमीन इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट हाउस के सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया।